आप सभी का इस YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे द पैरेलल कंपटीशन ऑफ द रजिस्टर्स, जो कि इसे टीवीएस से क्लासेस में मैंने पढ़ाया था, तो शायद लास्ट में थोड़ा सा छूट गया था, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। ठीक, अगर स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखें, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, है ना, और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पैरेलल कंपटीशन ऑफ रजिस्टर्ड इन अ सर्किट, राइट। एक्चुअली क्या होता है, हम लोग पिछले क्लासेस में जान चुके थे कि ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा और कब करंट बढ़ेगा, है ना दोस्तों। तो जब हम लोग जब रेजिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन करते हैं तो उस कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है, यानी अगर तीन बल्ब को एक साथ एक ही वायर में कनेक्ट कर देते हैं तो सबसे पहला बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, उसके बाद वाला बल्ब उससे कम ग्लो करेगा, सबसे लास्ट वाला बल्ब सबसे कम ग्लो करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि तीनों को अलग अलग अमाउंट में, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, यानी वोल्टेज मिल रहा है, जिसके कारण वो उसका ग्लोनेस भी अलग अलग है, जबकि तीनों बल्ब एक ही पावर का है, यानी अगर तीनों 100 वाट का है तो तीनों 100 वाट का है दोस्तों। मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज बढ़ जाने के कारण क्या हो गया, सबका ग्लोनेस अलग अलग हुआ। मगर यहाँ जब हम पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो पैरेलल में करते हैं तो सबका ग्लोनेस सेम हो जाता है, है ना। यानी इसका मतलब ये हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बढ़ता है, है ना। सबका बढ़ता है क्या, तो उसमें बढ़ता है करेंट। पैरेलल में क्या बढ़ता है, करेंट, और सीरीज में क्या बढ़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कब कौन बटेगा ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो चलिए हम देखते हैं कुछ भी कड़ा क्या, जैसे कि एक हम लोगों को ये प्रूव करना है कि कड़ा है कि रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टर, यानी अगर पैरेलल में रेजिस्टर को कंबाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं, मतलब अटैच कर देते हैं, तो उसका जो रेजिस्टेंस निकलेगा, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा, उसका वैल्यू क्या होगा। तो कहा जाता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, यानी जितने भी उस सर्किट में रेजिस्टेंस अटैच्ड है पैरेलल में, उस सब के रेसिप्रोकल का सम वो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस होता है, यानी रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस इज सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ, है ना, रेजिस्टर, जितना हो चार को पांच को जो हो, है ना, इसे लिखा हुआ रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टर, यानी यही सब रेजिस्टर है ना। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग को ये प्रूव करना है, तो कैसे होगा, है ना। तो हम लोग जानते हैं ना कि इसमें क्या बटेगा, तो इसमें करेंट बटेगा, है ना, करेंट फ्लो थ्रू द सर्किट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल रेजिस्टर, है ना। ठीक, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ऐसे हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि हम लोग पैरेलल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये लिख दिए तो ठीक है, नहीं लिखते तो भी चलता। तो अब यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो हमने क्या क्या इसमें तीन लिया, तीन रेजिस्टर लिया, R1, R2 और R3, राइट। तो इसमें करंट क्या बटेगा, तो पहला में I1, दूसरा में I2 और तीसरा में I3 बटेगा, यानी I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 + I2 + I3, है ना। ठीक, अब ये हो गया, अब हम लोग चलते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ वही सर जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने बताया था, है ना, V इक्वल टू IR, I इक्वल टू V/R, R इक्वल टू V/I। तो यहां पर I का बात करना, तो I इक्वल टू क्या होता है, V/R, किससे, ओम्स लॉ से, राइट। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। उसी प्रकार I1 का क्या हो जाएगा, V/R1, I2 का क्या हो जाएगा, V/R2, R3 का क्या हो जाएगा, V/R3, सबको अलग अलग इक्वेशन मान लिए। अब फ्रॉम इक्वेशन A, 1, 2, 3 एंड 4 सबको क्या करेंगे, सबका वैल्यू इसमें इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, I की जगह लिख देंगे V/R, I1 की जगह लिख देंगे V/R1, I2 की जगह लिख देंगे V/R2, R3 की जगह लिख देंगे V/R3, पुट कर दिए। देखते हैं क्या कि इसमें भी कॉमन आ सकता है, कॉमन ले लिए तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 हो गया, है ना। ठीक, ये बी से भी कैंसिल हो गया, तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, है ना। जैसे ये किए उसी प्रकार ये भी कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड पूरे
एजुकेशन लाइन का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, सबसे अच्छा सबसे प्यारा वर्ड होता है, जिसका नाम है सिमिलरली, है ना। तो यहां पर लिख देंगे सिमिलरली, ये इसी ऐसे सिमिलरली ये भी हो जाएगा प्रूव्ड, जैसे ये प्रूव हुआ ये भी प्रूव हो जाएगा, 1 अपॉन r1 इक्वल टू 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन r1, अरे है ना ठीक। तो इस प्रकार ये हेंस प्रूव्ड हो गया दोस्तों, ये 1 अपॉन r इक्वल टू 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3। ये एक चीज याद रखिएगा हमेशा कि आपको ये माइंड में सेव करना, इजीली आप इतना ज्यादा इस पे वेस्टेज करना, पर ये माइंड में रखना है कि कब कौन बटेगा, अगर ये आपके माइंड में है तो आप इजीली इसको बना सकते हैं, कोई हार्ड नहीं है। ध्यान रखना कब कौन बटेगा, थ्री रजिस्टर को लेके आप इसी प्रूव कर सकते हो दोस्तों, है ना।